हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी कलरफुल केक रेसिपी, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है, इजी और इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पिसी हुई चीनी, तो ये 100 ग्राम है। अब इन दोनों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जब तक ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रीमी टेक्सचर की हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही ना बहुत ज़्यादा खट्टा लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम खट्टा। अगर आपके पास दही ना हो तो आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने 3 बड़े चम्मच दही ले लिए हैं, इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले रही हूँ, 300 ग्राम के लगभग। आप यहाँ पर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डलेगा और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये दोनों ना हो तो बैटर बनने के बाद आप इसमें 1 पैकेट इनो का डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। आप चाहे तो इसे स्ट्रेनर में भी छान कर डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। तो ये देखिए हल्का ड्राई सा हो गया है ये। अब हम यहाँ पर लिए हैं 1 कप नॉर्मल दूध, ये उबाला हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे और एक लम्स भी बैटर बनाकर तैयार करेंगे। केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स ले वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिल्क ऐड करते जाएंगे और बहुत ही स्मूथ एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का रखना है। तो जितना हमने दूध लिया था उसमें से केवल 2 बड़े चम्मच ही दूध बचा था, बाकी दूध इसमें इस्तेमाल हो गया है। तो अब हमने ये देखिए बैटर बनाकर एकदम तैयार कर लिया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। आप यहाँ पर अपने मनपसंद एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर चॉकलेटी केक नहीं बना रहे हैं। अगर अब आपको यहाँ पर चॉकलेट स्पॉन्ज बनाना है तो इसमें आप 2 टेबलस्पून कोको पाउडर या फिर हॉट चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ले लिया है केक टिन, तो इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे। आप बटर पेपर या फिर बटर भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हम इसमें बैटर डाल देंगे और इसे हम माइक्रोवेव में बेक करने वाले हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए। तो आप भी इसे बेक कर सकते हैं या फिर आप कढ़ाई में भी इसे 30 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए केक टिन हमारा हाफ है, इसे अच्छी तरह टैप कर लेते हैं और छोड़ देते हैं माइक्रोवेव में। जब तक मैं केक बेक हो रहा है हम क्रीम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप चिल्ड व्हिप क्रीम ली है। अब हम इसे विस्क कर लेंगे जब तक कि साइज़ में डबल ना हो जाए। क्रीम हमें ठंडी ही लेनी है। तो ये देखिए हमारी क्रीम बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है, इसे रख देते हैं साइड में। केक हमारा 25 मिनट में अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब इसे हमने थोड़ा सा ठंडा भी कर लिया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, तो पहले हम साइड के एजेस निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारा केक बनकर तैयार है। टेम्परेचर और टाइमिंग अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम इसे किसी भी लेयर का नहीं बनाएंगे। इस केक को हम किसी भी लेयर का नहीं बनाएंगे, सिंपल लेयर बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें डबल लेयर भी कर सकते हैं। तो ऊपर का हमने हल्का सा निकाल दिया है। हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी, इसलिए इसमें हम शुगर सिरप नहीं डालेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें व्हिप क्रीम जो कि हमने व्हिप करके रखी थी। तो बहुत ही इजी टू मेक ये केक बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपके पास व्हिप क्रीम ना हो तो आप इसके ऊपर चॉकलेट गनाश भी लगा सकते हैं, चॉकलेट को, हाफ चॉकलेट। यदि आपने 1 कप चॉकलेट ली है तो आप 2 कप क्रीम का इस्तेमाल करके गनाश बनाकर रेडी कर लें। हल्का सा ठंडा होने के बाद भी आप उसकी गार्निशिंग कर सकते हैं या फिर आप सिंपल सा चॉकलेट मेल्ट करके भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें कर रहे हैं आइसिंग। तो अपने हिसाब से आपको जितनी क्रीम लगानी हो आप लगा सकते हैं। सभी तरफ हम क्रीम को अच्छी तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम केक में फ्लावर के पैटर्न देंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगे। तो हमें इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है, जो मैसर होता है उसी में मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फ्लावर पिन नहीं थी। तो आप भी इस टेक्निक को अपना सकते हैं। फ्लावर बनाकर मैं किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी टर्निंग टेबल में रख लूँगी, जिससे कि हम इसमें फिर बाद में कलरिंग कर करके
और एक साथ सारे फ्लावर को हम असेंबल कर देंगे। तो हमने यहाँ पर केक का जो फ्लावर वो बना लिया है। अब इसमें हम जो ये स्प्रिंकलर कलर होते हैं, फूड कलर होते हैं, ये इन्हें हम हल्का सा छिड़क देंगे। आप अपने मन अनुसार जो भी कलर पसंद हो आप छिड़क लें। तो ये देखिए, इसी तरह से हम दो कलर के बनाकर तैयार करेंगे और इन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे। सभी फ्लावर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल 6 बनाए हैं क्योंकि हमें इसे हाफ ही भरना है। तो अब हम इसे इस तरह से कैंची से संभाल संभाल कर फ्लावर को रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक रेड और हमने यहाँ पर ब्लू कलर के फ्लावर बनाए हैं। इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे केक्स आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें और साथ ही साथ ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी सबसे पहले मिले। तो सभी तरफ हम हाफ तरफ फ्लावर्स को रख लेंगे। यदि आप इसे फुल फ्लावर्स का बनाना चाहते हैं तो आप बाकी के और भी फ्लावर्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो हमने एक कप क्रीम बनाई थी ना, उतने क्रीम में ये बहुत ही बढ़िया एक केक बनकर तैयार हो जाता है। तो सभी तरफ हम फ्लावर्स बना लेंगे। इस केक को मैंने बहुत ज़्यादा डीपली फिनिशिंग इसलिए नहीं दी है क्योंकि बच्चों को इसी तरह का पसंद आता है। अब मैंने इसमें डाल दिए बहुत सारे जेम्स की गोलियाँ जो कि बच्चों की एकदम फेवरेट होती है, और ये मैंने अपने बच्चों के लिए ही बनाया था। तो अब हमने इसको सारे तरफ भर दिया है चॉकलेट जैम से। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद बच्चों की कोई भी टॉफ़ी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर चॉकलेट गनाश से भी ड्रिजलिंग कर सकते थे। तो अब हमारा जो केक है बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल बॉल्स डाल देंगे, जो सिल्वर बॉल्स होती शुगर बॉल्स, वही हमने इसमें डाल दिया है। तो इजी टू मेक, बहुत ही कम समय में झटपट से हमारा जो केक है बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ा सा हमने इसमें कलर और स्प्रिंकल कर दिए हैं। केक का डेकोरेशन टोटल आपके ऊपर होता है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो बस केक बनकर हमारा तैयार है। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी केक। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।